कानपुर में सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन और हिंसा में कई लोग घायल हुए तो कईयों की मौत भी हुई। अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर और कानपुर में पीड़ित परिवार वालों से की मुलाकात, चेक भी बांटे। एक रिपोर्ट के जरिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में नए नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा गया जिसने बाद में हिंसक रूप लिया और इस दौरान कई लोगों की जान चली गई। हिंसा में पीड़ितों को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंची तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हिंसा में मारे गए सभी पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान शहर में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों और घायलों से मुलाकात की और चेक भी बांटे। आपको बता दें 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बाबूपुरवा में हिंसा हुई। हिंसा में 23 साल के मोहम्मद सैफ, 22 साल के आफ्ताब आलम और 30 साल के रईस खान की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी ने माना है कि बलवाइयों की गोली से ही तीनों की मौत हुई। देश में हर जगह सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हुआ है, एनआरसी का विरोध हुआ है, और यही नहीं भारत के अलावा जहां भी लोग नागरिक रहते थे भारत के लोग, उन्होंने भी विरोध किया है। और विरोध को लेकर के लोग सड़कों पे आए, पुलिस ने जानबूझ करके माहौल खराब किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जगह सड़क पर लोग आए थे, लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ ही दिनों में क्यों जान गई। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर भी निशाना साधा। बीजेपी सिर्फ देश को बांटना चाहती है, सरकार के इशारे पर हिंसा हुई, पीड़ितों पर ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के कानपुर दौरे को लेकर क्या कहा, दिखा रहे हैं आप। अखिलेश जी अब यही करेंगे, और अखिलेश जी का तो अतीत रहा है कि वो दंगाइयों के साथ रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है तो दंगाइयों को वो विशेष विमान से बुलाते हैं मुख्यमंत्री आवास में, तो अखिलेश जी की दंगाइयों के साथ जो गलबैया हैं वो जगजाहिर हैं, वो दंगाइयों के साथ रहेंगे और दंगाइयों के साथ ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनका तो रिकॉर्ड है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो हर दिन दंगा होता था उत्तर प्रदेश में, हर दिन अशांति होती थी, तो अखिलेश जी का हाथ तो दंगाइयों के साथ है। तो बीजेपी अपने ही अंदाज में समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में सीएए और एनआरसी को लेकर शुरू हुई सियासत और हिंसा पीड़ितों को लेकर होती राजनीति कहां जाकर थमती है। नीरज अवस्थी, R9 TV कानपुर।